गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज पिछले वीडियो में हम लोग एडिंग डेटा टेबल टू द चार्ट और इंसर्ट मॉडिफाई द लिगेंड स्टेप पढ़े थे क्लास 8 के बच्चों को। आज इस वीडियो में हम लोग एडिंग हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस टू द चार्ट और सेकेंड ऑप्शन है एडिंग वर्टिकल ग्रिड लाइंस टू द चार्ट। दो ऑप्शंस के बारे में स्टेप और इसका ग्रिड लाइंस में किस तरह से हम लोग अपने चार्ट में एडिंग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका स्टेप मैं लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडिंग हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस टू द चार्ट। एडिंग हॉरिजेंटल फर्स्ट पॉइंट है एडिंग हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस टू द चार्ट। टू द चार्ट तो मेजर एंड मीनर ग्रिड लाइंस कैन बी एडेड टू द चार्ट टू रीड द डेटा मोर एक्यूरेटली टू एड सच ग्रिड लाइंस। यानी मेजर या मीनर ग्रिड लाइंस में के द्वारा अपने चार्ट में हम लोग कुछ लाइनिंग देने के लिए हम लोग एडिंग ग्रिड लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग किस तरह से ग्रिड लाइंस अपने चार्ट में ऐड करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग चार्ट जो रहेगा चार्ट आप लोगों को क्रिएट करना होगा और चार्ट क्रिएट करने के बाद सब पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को सेलेक्ट द चार्ट चार्ट को सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट सेलेक्ट द चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है। स्टेप सेकेंड लेआउट मेनू होगा सेलेक्ट द लेआउट मेनू। जैसे ही लेआउट मेनू पर क्लिक करेंगे उसके नीचे में ग्रिड लाइंस आएगा। स्टेप थ्री में सेलेक्ट द ग्रिड लाइंस ऑप्शन। स्टेप फोर जैसे ही हम लोग ग्रिड लाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स में से सिलेक्ट करना होगा प्राइमरी हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस। तो क्लिक ऑन प्राइमरी हॉरिजेंटल
हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस, उसके बाद स्टेप फाइव, स्टेप फाइव में जैसे ग्रिड प्राइमरी और जेंडर ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस बॉक्स में से हम उस बॉक्स में तीन चार ऑप्शन आएंगे, नन, मेजर ग्रिड लाइंस और मीनर ग्रिड लाइंस और मेजर एंड मीनर ग्रिड लाइंस। तो जिस ऑप्शन का प्रयोग करना हो, जैसा इंसर्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं मेजर, क्लिक ऑन मेजर ग्रिड लाइंस, मेजर ग्रिड लाइंस। जैसे ही मेजर ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट बना हुआ रहेगा इस प्रकार का, मैं एक नमूना बना दे रहा हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का इस तरह का चार्ट बना हुआ। और जैसे ही मेजर ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो देख रहे हैं, ये पेज हम लोगों को एमएस एक्सेल का जो रहेगा, ये पेज हम लोगों को इस तरह का जो है ग्रिड लाइंस में बटा हुआ पार्ट्स आ जाएगा। तो ग्रिड लाइंस में किसी भी पेज को बांट दिया जाता है, यानी हॉरिजेंटल में जो है इसको जो है कन्वर्ट करेगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स में भी बांटा जा सकता है। तो इसमें ग्रिड लाइंस ऐसे ऐसे बना हुआ रहेगा और जितना इसे बड़ा करना होगा तो इसे पॉइंटर पे हम लोग जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर करके नीचे की ओर ड्रैगिंग करेंगे। उसके बाद सेकेंड है एडिंग वर्टिकल ग्रिड लाइंस टू द चार्ट, ये हॉरिजेंटल में है और वर्टिकल्स में करने के लिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो मैं लिखा देता हूँ। तो वर्टिकल्स में करने के लिए हम लोग यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं यहां पर आ जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल टू द चार्ट, जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन मेजर एंड मिरर वर्टिकल ग्रिड लाइन कैन आल्सो
be added to HR to add such grid line, यानी just like horizontal grid lines की तरह ही ये create करेगा जो हम अपने चार्ट में पहले वाले चार्ट में हॉरिजॉन्टल में बांटा गया था।